ये फ्राइज पहले हम इसमें ऐड करेंगे। ऐसे डाल रहे हैं कि फ्राइज डाल रहे हैं? मेरे ख्याल से इतने आधे काफ़ी हैं। इसे डायरेक्ट ऐसे ही हम एयर फ्रायर में ऐड कर देंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ताकि ये चिपके ना। इतना ऑलिव ऑयल ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये पेपरिका पाउडर। ये देखो ऐसे, आई थिंक इनफ है। और उसके बाद ये देखो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक के मसाले बारबेक्यू फ्राइज मसाला। ये हम अच्छे से इसमें ऐसे छिड़क लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आने वाला है। ये लो, ये मैंने बल्कि खोल दिया क्योंकि मैंने ट्राई किया ना पहले। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर टेस्ट देने वाला है। और इसके बाद इसमें हम पहले ऐड करेंगे थोड़े कैप्सिकम और ये ब्लैक ऑलिव्स। ये देखो, ब्लैक ऑलिव्स के बाद बारी आ रही है सॉसेजेस की। ये हमने कट करके रख ली थी। ये देखिए यार, ये ऐसे दिखाई, ये सॉसेजेस। नुसरत बन रहे हैं आप, नुसरत फतेह अली खान। ये देखो, वैसे उसका नाम नुसरत ही था। हाँ, नुसरत ही था। तो भाई ओए, ये किधर आ गए? इसे भी वापस ऐड करते, एक बार हम थोड़ा सा मिक्स कर लें ऐसे। इसे हम डायरेक्टली एयर फ्रायर में तुन लेंगे और इसे हम सेट करेंगे। भाई फ्राइज पे आ जाओ तुम, फ्राइज पे, और अपने फ्राइज पूरे करो, ठीक है? इसे 180 पे हमने सेट कर दिया। ये 20 मिनट के लिए चाहिए, 20 मिनट से कम कर देना। अरे हम 15 मिनट पे इसे बंद कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर चीज डाल के। और ये देखे जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म के फ्राइज रेडी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एंडिंग नहीं हुई है। यहाँ से अब ये निजाम आएगा इसके ऊपर चेडर का। ये देखो, चेडर हम इसके ऊपर इतना चेडर करेंगे कि ये चेडरो चेडरी हो जाएगा। ये देखिए कैसी लग रही है। चलो अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दोबारा से, और ये देखें माशाल्लाह से अपने चीज़ी किस्म के फ्राइज रेडी हो चुके हैं। गाइस गाइस, इसे अब हम निकाल लेते हैं। गाइस गाइस गाइस, ये देखो, अब इसके ऊपर थोड़ी हम ये रेंच सॉस डालेंगे और ये थोड़ी बारबेक्यू सॉस। ओह हो हो हो, और ये थोड़ी सी टमाटर भी, केचप केचप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ हो रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। ये चीजी किस्म के फ्राइज खाने के बाद आप डेफिनेटली कहोगे भाई स्वाद आ गया बादशाह।